चेक कर लें, सम ऑफ द नाउन् एंडिंग इन एस और ई एस आर यूज विद सिंगुलर वर्ब्स सो कुछ इस तरह के नाउन् जेडे एंड के होंगे एस या ई एस बट स्टिल वर्ब यूज़ होएगी सिंगुलर बिकॉज वी कंसीडर दैम टू बी सिंगुलर एग्जाम्पल सबजैक्ट्स है जिम्मे कि कुछ मैथमैटिक्स फिजिक्स मकै मकैनिक्स पॉलिटिक्स स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, सारे सबजैक्ट्स है जोड़े वो क्या okay, चेंड होंगे एस स्पोर्ट्स हो गया बिलियट्स एक्वाटिक्स, जिमनैसटिक्स एथलैटिक्स ये सारे स्पोर्ट्स है बट ये भी यूज़ करा सिंगुलर Three Musketeers, Guerrilla Travelers, Travels, Arabian Nights, War and Peace, Tales from Shakespeare. These are books. Sports subjects. Innings, series, news, summons. Again, S, ES. एस एस बट इन्होंने सारे वर्ब जी यूज करा होगी सिंगुलर क्या क्लियर हो गया ओके okay. अच्छा सेंटेंस देखो द मीसिल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन मीसिल्स की है इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪੌਟਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਵਾਰਾ ਪਸ਼ਪਾਕ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨਾਂ ਲੋ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸੋ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕੀ सो इत जो वर्ब है वो हैफ नहीं आएगी हालांकि जो वर्ड है मिसल्स एक चेंड हो रहा है एस ई एस बट डिजीज का नाम है सो सिंगुलर है कि प्रूरल है सिंगुलर पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम सो इसको गलती है

हां करेक्ट लीगल नोटिस प्रेजेंट करेक्ट ओके okay, सो so की गलती है एच कोई गलती नहीं है ठीक है ए सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड

वन बट जो टू लिखे दैट मीनस हूँ केस की हो जाता है रूरल का इस करके आप यूज़ करा वर क्या क्लियर हो गया ओके सो फस्ट की आना सी हैज सैकेंड इज थर्ड दिस न्यूज इज फोर्थ करेक्ट है फिफ्थ आना है इज़, ए सीरीज ऑफ मैच मैचेस इज टू सीरीज ऑफ मैचेस, सो वॉर्स है सम ऑफ द नाउन आर जनरली यूज इन दूर वर्बस कुछ इस तरह के नाउनस है जे हम पहले किए सिर्फ तो सिर्फ की रेंगे सिंगुलर। क्लियर हो गए पिछले हूँ जो नैक्सट नाउंस है सिर्फ तो सिर्फ की रहनेल एग्जाम्पल ट्राउज़र्स, ब्रिचेस जो आप की कहने निक्कर एंड जीन्स ठीक है ये हमेशा की रहने हैं प्रूरल ध्यान रखने जो आप बेसिकली पहरावे दी कल कर करते हैं कि पहरावे की सो इन जनरल जो वेस्ट तो नीचे है उधर ले प्रूरल यूज़ होएगा जो उपर है सिंगल ठीक है वेस्ट तो मतलब की होएगा जीन्स हो गया निकर्स ट्राउज़र्स हो गया समझ रहे हो पजामाज हो गया सो so उस हमेशा की यूज करना है प्लूरल समझ पा रहे हो जोड़े उपर है वो सिंगुलर शर्ट हो गया सो सिंगुलर है टी शर्ट हो गया सो यह भी की हो गया सिंगुलर कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं अच्छा सीजर्स ਸੀਜ਼ਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ கரੈਕਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਰਲ ਸਪੈਕਟਿਕਲਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਰਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਲਸ ਸੀ ਕਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਲਸ ਸੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੀ किसी चीज़ को कट्टी यूज़ की जाती है हार्ड मैटल हो गये गये कोई समझ रहे हो कोई फॉर एग्जाम्पल कई बार मोटा सरिया होंगे या कई बार पतली स्टील की कोई प्लेट है सोनू कट्टा हो कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं आ कलेयर हो रहा है कि नहीं सो ये सारे की यूज होने हैं डबल नेक्स्ट देखते हैं आ कुछ वर्ड्स है कॉल्ड आलम्स ये तो मतलब क्यों होंगे चैरिटी हमेशा की रहेगा प्रूरल थैंक्स प्रोसीड्स देखो प्रोसीड्स नूज किया जाए जो आप इनकम की रखाल ठीक है रिचिस ध्यान रखना रिच एडजेक्टिव भी होंगे सो रिचिस ये किस तरह यूज किया गया एज अ सो आपूसीडर करा सिंगुलर के प्रूरल रूरल सो so, इतना लेज नहीं आएगा क्या आएगा आर समझ पा रहे हो ओके क्रेडेंशियल्स, क्रिडेंशियल्स की होंगे तो भी क्रिडेंशियल जो वर्ड होंगे कॉल्ड क्रेडिट केर्ड क्रेडिट इस काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं मीनिंग जो आपडर करिए आप कहने भरोसा कि ठीक है इस तरह क्रिडेंशियल की होंगे वो सो फॉर एग्जाम्पल कोई परसन कोई जॉब लिया ठीक है ਤੇ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ এমਪਲয়ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫିକੇਟਸ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫିକੇਟਸ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰਸ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਰਬ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਬ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਬ ਵਾਂਗੂ ਇਨੂੰ ਨਾਉਨ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਉਨ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਉਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿ ਨਾਉਨ ਸੋ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫੋਰ ਏਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਥੋਰਿਟੇਟਿਵ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰ ਲੋਅਰ ਅਫੀਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ उस केस आपका जो वर्ड है वो ऑर्डर यूज नहीं करा की करा ऑर्डर ठीक है एज ए नाउ नॉट एज ए वर्ब नैक्सट है कस्टम्स कस्टम भी होंगे सी यू एस टी ओ एम जिन्हों आदत कहने ठीक है कस्टम्स की होंगे टैक्स सो एनल मीनस रिकॉर्ड्स किस तरह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਰੀਅਲਸ ਏਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10000 ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ 5000 ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਲੈ 5000 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ 5000 ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਅਲਸ ਐਸੈਟਸ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਐਸੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਵੈਲਥ ਸਟੇਅਰਸ ਠੀਕ ਐ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਡਾਟਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਰਨਿੰਗਸ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਇਨਕਮ ਸਰਾਉਂਡਿੰਗਸ ਸਰਾਉਂਡਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ समझ पा रहे हो so, सो सारे वर्ड्स सिंगुलर है कि है, ओके okay. जिम्मे की चेक कर दें क्वेश्चन देखो माय सिजर्स इज नॉट शार्प इस जगह क्या आएगा आर क्योंकि सिजरस आप कहने सिंगुलर के प्रूर रूरल माई स्पैक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली अगेन गलत हो जाएगा समझ पा रहे हो ये होगा आर ए पेयर ऑफ स्पैक्टीकल्स हैज बीन ब्रॉट बाय मी ना हूँ ध्यान रखना है ऑफ तो बाद इंफॉरमे दी है ना सो so, इस केस आप जो सबजैक्ट है वह की कंसीडर करा अ पेयर है? है? की है? है? है है इस करके आप यूज किया है कट दीए कला लिखिए यूज करना है ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड ए की हो जाएगा इनकरेक्ट बिकॉज बिकॉज की यूज करना चाहिए ऑर्डर्स ऑर्डर्स फॉर हिस्ट ट्रांसफर ध्यान रखना जो पर्टिकुलर फ्रेज है ना फॉर हिस्स ट्रांसफर इतने हमेशा याद रखना वर्ड आंदोलन है फलोरल सो कि so, वर्ब की आएगी Plural. क्या क्लियर है सो so, आ कुछ वर्ड्स है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਉਨ ਇਨਦਰ मीनिंग ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੂਰਲ ਤੇ ਉਹਦਾ मीनिंग ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ वुਡ वुਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वुਡਸ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ वुਡਸ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ये दोनों इंटरचेंजेबल है, so है. <coughs> क्लियर हुआ कि नहीं सो वुड्स मीनस वुड्स मीनस फॉरेस्ट वॉटर ठीक है वेन वैन वी से वॉटर इट मीनस सी क्या क्लियर हो रहा है वैसे वॉटर्स तक कभी लिख नहीं पाओगे ठीक है बट जो तुम तो वॉटर्स लिखे देखो याद रखो कि मीनिंग की है फिर सी सिमिलरली वुड्स भी लिखे तो की मीनिंग हो जाएगा फॉरेस्ट एसेट एसेट की होंगे कोई क्वालिटी ऐसा नो ठीक है सो yes no? so, एसेट्स की हो गया प्रॉपर्टी अ क्लियर हो रहा है कि नहीं ठीक है शैंड शैंड भी अगेन की है मटेरियल बट सैंड्स मींस लैंड क्लियर हो रहे आयरन मींस गेन धातु है मटीरियल है आयरन मींस चेन ठीक है वर्क वर्क मींस लेबर ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੂਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਰਾਈਟ ਵਰਕਸ ਯੂ ਕਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਵਰਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਆਥਰ ਹੈ ਆਥਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਕਸ वो सारिया बुक्स या पेपर जो भी उन्हें लिखे है वह वर्कस लिटरेचर लैट सपोज कोई ऑथर है और काफ़ी सारा लिटरेचर है लिटरेचर का मतलब अगेन की हो गया उन्हें बहुत सारिया की लिखिया हुई हैं बुक्स पोइम्स हो गई ठीक है पोइटरी लिखी हुई है सो दैट मीनस आपक दे, वर्क दे के लिए की लिखा वर्कस मैं दसो कि समझ आ गया है कन्फ्यूजन तो नहीं कस्टम ठीक है कस्टम की हों कोई चीज़ जी रेगुलर हो रही है जिमें कि आप कही हैबिट कस्टम्स की होंगे टैक्स ठीक है कस्टम्स पता है ना कि टैक्स होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स इफैक्ट इफैक्ट का मतलब होंगे रिजल्ट ठीक है इफैक्ट का मतलब क्यों रिजल्ट बट इफैक्ट्स वर्ड में यूज़ करते हैं नाउन एज ए नाउन आपू यूज़ करते हैं एज ए गुड्स एनू ध्यान रखियो कई बार यूज हो सकता है इफेक्ट का मतलब की है गुड्स बाकी तो पता ला जाएगा कलर कलर मीनस मटीरियल या ह्यू कलर्स की होंगे फ्लैग ठीक है जे कलरस वर्ड यूज किया गया है दैन की यह मतलब की है फ्लैग फ्रूट वी नो फ्रूट ठीक है फ्रूट्स यदरूर फ्रूट्स भी बन जाए करेक्ट आई हैव बॉट सम फ्रूट्स बट फ्रूट्स न कई बार यूज किया जाता है एज ए वर्ड रिजल्ट आ समझ पा रहे हो கரெக்ட் ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਟੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੋ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਰੂਟਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਹੋਰੇਗਾ ਫਰੂਟਸ ਬਟ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਰਮ ਹੱਥ ਇਟਸ ਆਰਗਨ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਆਰਮਸ ਆਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ तीन तो नहीं <laughs> so, हो गए दो हाथ हो गए बट वेन वी से आर्म्स दैट मीन ओन किस तरह होता जाट आर्मस भी ऑक्टोपस्ड गुड मीनस एडवाटेज या यूज सो गुड्स मीनस आर्टिकल

जब कि बोय बॉय में आप दीदा बॉयस ठीक है फॉर एग्जाम्पल लिखे कमांडर इन चीफ कि लिखे कमांडर इन चीफ यदा प्रूरल बनाना है देखो सो कमांडर इन चीफ ए तीन वर्ड्स लिखे हुए है बट इना चो नाउन एक ही है वो कि कमांडर इन के चीफ that is commander so noun ki hai commander so jado aap apnu plural karna hai so aap aenu commanders likhange commanders in chief kuch samajh pa rahe ho ki nahi kyunki is portion de vich commander in chief de vich noun keda hai commander te onu plural likhange ki likhange commanders mere dosto confusion to nahi ho rahi acha आप इतें पावे क्योंकि कमांडरस लिखा कमांडरस इन चीफ कई बार याद रखना लैट सपोज कह रामसकार की कह रामस कार सो so, अपोस्थफी एस जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं एक कदले यूज कर रहे हैं ओनरशिप इसी तरह ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫ ਯਸ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅਪੋਸਟੋਫੀਅਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫਸ ਕਾਰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਐਸੋ ਨੋ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਸਟੋਫੀਅਸ ਅਪੋਸਟੋਫੀਅਸ ਮਤਲਬ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆ ਪੋゼਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ पाना हमेशा एट द एंड समझ आ रहा ठीक है ओके मीडियम द प्रूर की है मीडिया मीडियम क्या हों मीडियम का मतलब जरिया भी होंगे यस और नो ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਦੇ थ्रू ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਸ ਇਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਮ ਦ ਪ੍ਰੂਰਰ ਫੋਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੁਣ ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਥੇ ਨਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਜਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਆਫ ਲਾ ਕਾਦੀ ਲਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਨੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਕੀ ਕਹਨੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ समझ पा रहा हूं कि नहीं सो ए प्रूर की होएगा फिर अटॉर्नीज जनरल मैंने दसो समझ पा रहे, so, समझ पा रहे थे। एस और नो? ओके स्टेडियम स्टेडियम पता है आप ठीक है जिथे स्पोर्ट्स हो रहे तो लोग के देख रहे हैं तो जो प्रूरल सो आप की लिखा स्टेडिया क्रिटीरियन द प्रूर क्रिटीरिया लुकरस लुकर ऑन देखने वाला ठीक है तो यह प्रूरर की होगा लुकर हो गया सारा प्रूर पता लग रहा है कि नहीं Phenomena. Phenomenon, sorry. It's called की मतलब होंक्ट सो फिन द प्रूरर की है फिनोमिना, सो फैक्ट्स हो जाएगा है फिनोमिनन द ब्लूरर फिनोमेना पासर बाय इट्स नाउन पासर हो गया सो so की बन जाएगा पासर्स बाय फॉर्मूला, द प्रूरर की है फॉर्मूले सो इतने आपा एंड दे विच की लिखना है ई e. ठीक है मदर इन लॉ सो दे नाउन केड़ा है मदर सो आप इस करके लिखेंगे मदर्स इन लॉ ध्यान रखना बट जो अपोस्टोफेस पाना होवे तो आप इत लिखा मदर इन लॉज सन की समझ पा रहे अच्छा ऑसिस द प्रूरर ऑसिस ना ऑसिस क्यों है ਬੀਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਇਨ ਡੇਜ਼ਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਸ ਦੇ ਡੇਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਰ कुछ समझ पा रहा हूं सो so, आसिस उस जगह न डेजर्ट जिथे की हो क्लीयर ओर की हो जाएगा आसिस मैन सरवेंट ठीक है so, सर्वेंट दा सर्वेंट सो सरवेंट दर्वेंट्स हो जाएगा बट जो सरवेंट्स है मतलब प्रूरल है तो आप मैन नहीं लिखा लिखा कि लिखा मैन लैकुना लैकुना होंगे कमी की होंगे कमी कमिया की हो गया फिर लैकुने अगेन आप कर रहे हैं ईद मैं दसो क्लियर हो गया है ओके okay, वुमेन सर्वेंट, उन सर्वेंट्स लिखा जाएगा तो अगेन याद रखना वुमेन का की बन जाएगा वुमेन एरेटम इज अ वर्ड फॉर मिसटेक गलती गलतियां इरेडा इज ए क्लियर इरेटम का की बन गया है इरेटा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ए क्लियर है एम ए प्रूवर की होगा एमेस जी ज्यादा है ध्यान रखना इतने अपोस्ट फेस लगाना पाएगा बट स्टिल यूज हो रहा है प्रूरर मेमोरेंडम दूरर की होया मेमोरेंडा माउस द चुके मीस माइस सो एल्यूमिनस की बनेगा एलुमनी अलूमिनस की होंगे ਸੋ ਤੁਸੀ ਕਹਸਾ ਨੇ 올ਡ এমਪਲੋਈ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ অর ਕਾਲਜ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੇ এমਪਲੋਈ ਹੋਇਆ 올ਡ এমਪਲੋਈ ਪੁਰਾਣਾ এমਪਲੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਰਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲੂਮਨੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ओल्ड स्टूडेंट्स या ओल्ड इंप्लाईज इन इन सर्टन केस आप क्लियर है ऑक्स द प्रूर की होंगे ऑक्सन कर चुके हैं सिलेबस द ब्रूर सिलेबई डेटम द प्रूर डेटा डेटा वर्ड याद रखना है हमेशा प्रूरल सो दैट इधर ना इज आएगा कि आर आएगा आर ठीक है जी ओके एडेंडम दब्रूर की हो गया एडेंडा